ठीक है यहाँ पे अपना बर्गर तैयार हो रहा है। वो हमने आज एक आर्टिस्ट दिखाया है अपने कंडारी जी, ये मजा आ रहा है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि मयंक भैया आए हैं, उनका कॉल आया मेरे को इतने टाइम बाद। उन्होंने बोला कि मैं आया हुआ हूँ रामनगर में तो मिल ले। मैंने सोचा कि उनसे मिल के आता हूँ थोड़ा, तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पुराने ब्लॉग्स में उनको देखा ही होगा, ज्ञानी बाबा हमारे, तो ज्ञानी बाबा से मिलते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। और आज का मौसम इतना सही हो रहा है ना, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है और ना बारिश हुई है, तो थोड़ा बाहर घूमने लायक भी थोड़ा ठीक है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वीडियोस लाते रहूँ आप लोगों के पास, ताकि आप लोग मुझसे जुड़े। तो अभी इतना सही मौसम हो रहा है, और देखिए यहाँ पे हमें मिल गया हमारा दोस्त नेगी। हाँ भाई, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो भाई लोग, कैसे कैसे टीम कैसी है, कहाँ से आ रहा है? अभी नेगी मिला था, नेगी भी मार्केट से आ रहा है। आजकल इसकी भी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो बहुत टाइम से इससे भी नहीं मिला हूँ मैं। और यहाँ तो खड़ी है इनकी कार, लेकिन भैया पता नहीं कहाँ है। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए यहाँ पे हमें भाभी भी मिली है, भाभी नमस्कार। और ये भी मिला है हमें छोटू, क्या नाम है इसका? रुद्र। हेलो, आ जाओ, हेलो तो कर लो, आ जाओ। अरे भाई, ये तो शर्मा भी नहीं रहा, आप किधर है? हेलो, अब चल रहे हैं हम घूमा चल रहे हो? महंगा मौसम हो रहा है ना, अभी मौसम इतना सही हो रहा है ना भाई, गॉड आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब इतनी गर्मी भी फील नहीं हो रही है और बारिश हो रही थी कुछ दिनों से, तो बाहर निकलने का भी सीन नहीं हो पा रहा था। तो बारिश भी नहीं है आज और ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, और बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है। मज़ा आ रहा है, मतलब घूमने लायक मौसम हो रहा है। कहीं अच्छी सी राइड पे जा सकते थे आज हम, संडे राइड, लेकिन कोई था नहीं यहाँ पे साथ का, तो अभी कहाँ निकलते हैं। मैंने सोचा कि घर पे ही रहते हैं थोड़ा, अब किसी और दिन जाते हैं। रानीखेत रोड है मेन हाईवे, NH 121। अब कॉर्बेट के ना नज़ारे कुछ होते ही है ना, इतने लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ। बेवजह कोई जगह फेमस नहीं होती है, घूमने का मज़ा ही कुछ और है। हमें तो फुल पावर मज़ा आता है, बाकी टाइगर का टाइगर तो दिखता ही रहता है। जैसा कि मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी थी, वो भी कोसी बैराज के पास की है। कोसी बैराज के पास में वो स्पॉट हुआ था, जो टेढ़ा वाली रोड जाती है, टेढ़ा गांव के लिए जो रोड जाती है, उसी रोड में वो स्पॉट हुआ था हमें। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, बने रहिएगा वीडियो में। नज़ारे तो कुछ हो ही रहे हैं आज, काफ़ी सही मौसम हो रहा है यार। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहना, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, और हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। 850 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। ये कुछ बोलना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए? यही बोलना चाहेंगे कि पब्लिक चूतिया है। क्यों है पब्लिक चूतिया? ऐसा नहीं करना है ना, पब्लिक के साथ पब्लिक तो धोखा दे देगी। नहीं, पब्लिक समझेगी हमारी भावनाओं को। पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, और पब्लिक खुद चूतिया है, इसलिए उनको बनाया जा रहा है। क्यों बोल रहे हो कि ऐसे ही ब्लॉग में तो नहीं आएगा? ना, ये चूतिया बता दिया वो, हाँ। कट जाएगा वो। पब्लिक क्यों है चूतिया? क्योंकि मैं भी पब्लिक में हूँ और मैं भी चूतिया हूँ। तो भैया से हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। भैया मिले थे मुझे लास्ट टाइम शायद 2 या 3 महीना पहले, उसके बाद तो मैं अभी द्वाराहाट साइड चला गया था। आज भैया मिले हैं बहुत टाइम बाद, और हमें हमारा रुद्र भी आ रखा है। रुद्र को आपने आपको हमने अभी दिखाया है थोड़ी देर पहले वीडियो में। बाकी भैया से मिलते हैं, भैया थोड़ी बात बताएंगे। आपका चैनल क्या चल रहा है? हमारा चैनल बंद हो गया है। क्या बात, आजकल सरकार और शराब में चल रही है आपकी बातें? चलता रहता है सब कुछ। और बाकी मतलब भैया के साथ बैठ के ना बड़ा अच्छा सा लगता है। थोड़ा टाइम हम लोग बैठे थे अभी यहीं पर, रोड साइड में बैठे हुए थे हम लोग। ये है रोड साइड की लोकेशन, यहाँ पर अंदर भाभी लोग भी बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ा शूट करने के लिए अभी हम बाहर की तरफ आए। हमने सोचा थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते हैं, भैया के साथ बैठते हैं, बात बात करते हैं। बाकी मैंने भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ भैया के साथ भी। और भैया आपसे मिलता हूँ मैं 15 तारीख को। 15 तारीख को मैं दोबारा आ रहा हूँ धुआंकोट से। आऊँगा वापस यहाँ। कब आ रहे हो? 15 को। हाँ, अरे यार 15 को वहीं मिलेंगे ना ऊपर, इसका पेपर है 16 को। तो 15 की
शाम दिन तक निकलेंगे साथ ही, 15 या 14 पता नहीं कब आऊंगा, भगवान जाने। चलो जैसा भी होता है मिलते हैं हम लोग भी, बाकी आप भी आगे की तरफ चलो, हैप्पी जर्नी, बाय रुद्रा। चलो ठीक है भैया, ओके मिलते हैं, ठीक है 15 को मिलते हैं। चलो ठीक है फिर, हैप्पी जर्नी। हम भी फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, मौसम सही हो रहा है घर का। मैं सोच रहा हूँ कि अभी जाता हूँ संजू भाई के कैफे में, थोड़ी देर उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनसे भी नहीं मिले हैं काफ़ी टाइम से। संजू भाई के साथ भी बैठते हैं थोड़ा बहुत, और जितना भी होता है उनके साथ भी थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। ओ भाई अंकल जी आ रहे थे फुल पावर स्पीड में, ना ग्रेट इंसान है यार संजू भाई भी, ना मज़ा आता है उनके साथ भी टाइम स्पेंड करने में बढ़िया। ये नहीं है कि वो मजाक ही करते हैं, मतलब वो अच्छी बातें भी बताते हैं बहुत सारी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं उनके कैफे पे, बाकी मिलते हैं उनसे वहीं पर। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो समझा था तू निकला सांप चलने का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं संजू भाई के कैफे पे, और यहाँ बैठे हैं अपने भाई। क्या बात है, इतना सीरियस मूड में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं संजू भाई के कैफे पे। हेलो अंशु भाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। तो चलते हैं फिर, अब हम भी ऊपर। और उस्ताद जी कैसे हो, ठीक हो? देखिए यहाँ पे संजू भाई ने जो हर घर तिरंगा वाला सिस्टम है वो कर रखा है। संजू भाई बहुत बहुत मजा ही आ गया, आपने बहुत सही सीन कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, हर घर तिरंगा वाला कुछ नहीं है। आपको देखना चाह रहे थे हम लोग, तो लगाना ही चाहिए। ये तो सही बात है, क्योंकि अपने देश में रह रहे हैं इंडिया में, तो अपनी कंट्री का फ्लैग जरूरी है, अपनी कंट्री का फ्लैग जरूरी है। तो संजू भाई कुछ तो बताओ बढ़िया सा। क्या बताओ यार, कुछ स्टोरी। कोई स्टोरी नहीं है उस्ताद जी। क्या वीडियो बना रहे हो? वीडियो बन रही है, मैं व्लॉग में आ गई YouTube में, YouTube में मेरा चैनल है। तो कुछ बताओ ना पब्लिक को थोड़ा बहुत, कोई गीत हो जाए, गीत गीत सुना दो, कोई बढ़िया सा सुना दो, कोई बढ़िया सा। फॉरवर्ड कैब में बैठे हैं हम, देख रहे हैं हजार लोग देख रहे होंगे तुम्हें अभी। देख ऐसे फार्मूला, ऐसे कैफे है हमारा, फॉरवर्ड कैफे ना, कुछ मेरे को ऐप है बिल्कुल। मैं इंडियन शेफ हूँ, चाइनीज शेफ हूँ। यहाँ पर देखिए आप आइए, यहाँ पर जब एक बार जो अभी पकौड़े वाला आए थे मेरा जस्ट, कहने उस्ताद जी मेरे को देख, मेरे को मतलब पकौड़े खा के बोला लाजवाब, मैंने से पूरा रामनगर फील कर दिया। मैंने जी खा के देखिए, वो है जी वही, तो एक घंटे मेरे को देखे रहेगा मेरे चेहरे, मेरे को क्या देखना, मेरा काम देख। वो है जी वही, तो एक घंटे मेरे को देखे रहेगा मेरे चेहरे, मेरे को क्या देखना, मेरा काम देख। और बहुत टेस्ट है, आप एक बार खा के देखो। कोई और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इस जगह पे? सभी सभी कुछ है, चिल्ली पोटैटो है, अन्नी चिल्ली पोटैटो है, चिल्ली पनीर है, चिल्ली चिकन है, और ये तंदूर भी रख रखा है। तंदूर का कब से स्टार्ट कर रहे हो? मलाई चाप है, हर चीज़ मिलेगा, तंदूर चिकन है। अच्छा चलो, सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कॉर्बेट कैफे, संजू भाई इज द ओनर एंड ही इज द शेफ। गाना तो बनता है, अब एक गाना यार, चलो बढ़िया सा। मानिला का डाना पति यो काशपुरा देखो छ, ये फुटिया कपाई परी परदेश लगो छ, फूल पतंगा है सुआ जोन लगे यो परदेश मा तेरी याद आए, पतंगा है सुआ जून लगे यो परदेश मा तेरी याद आएगे, यो परदेश मा तेरी याद आएगे, मन का पाक हुना उड़ी में आना ते सुआ मुखेड़ी के जी भर देखाना, हाय दिल के उमंग दिल मा रहेंगे यो परदेश मा तेरी याद आएगे, परदेश मा तेरी याद आएगे। मजा आ गया यार उस्ताद जी यार, हाथ मिलाओ यार, आप तो यार आर्टिस्ट हो यार, आपने ये चीज मुझे बताई नहीं अभी तक यार। संजू भाई आपने इतना तगड़ा आर्टिस्ट
रखे हुए हैं यार, मजा ही आ गया। नहीं रखे भाई, आर्टिस्ट तो बहुत पहले से हैं। मजा आ गया, लेकिन संजय भाई एक नंबर सच में बता रहा हूँ, मतलब मजा ही आ गया यार। एक नंबर भाई सच में। आर्टिस्ट नाम बता दो एक बार अपना। हीरा सिंह कंडारी नाम है मेरा। हीरा सिंह कंडारी मेरा विताल घाट जमेरा के रहने वाले हैं, विताल घाट से। अच्छा, चीची के साथ क्या मतलब, आप चीची को जानते हो? चीची को भाई ना, उनको नहीं जानते जी। हमारा मैं तो भारी गुड़गांव में 9 साल में गुड़गांव में रहा। चीची विधायक थोड़ी है, 15 साल करनाल में रहा। दो डांसर भी हूँ मैं। आईशा चलो किसी दिन दिखाएंगे फिर आपका गाना, डांस भी है ना, भारी गाने चला। ओके ओके ये अपने संजू भाई का कैफे और अपना बन रहा है अभी बर्गर अंदर। ये देखिए संजू भाई की स्पीड तो है ना कुछ। ठीक है यहाँ पे अपना बर्गर तैयार हो रहा है हमारे। ये तो संजू भाई ने बना रखा है एक नंबर। तो अभी हम भी चलते हैं, थोड़ा बर्गर वगैरह खाते हैं और फिर हम भी जाते हैं घर की तरफ। बाकी आपको हमने आज एक आर्टिस्ट दिखाया है अपने कंडारी जी, काफी तगड़ा गाना गाते हैं। बाकी गाने का कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, मजा आ रहा है। तो बचा है जिंदगी है। तो अब पीते हैं स्टिंग। और देखिए शाम का मौसम इतना सही हो रहा है ना, बादल ही बादल लगे हुए हैं बढ़िया, और काफी सही हो रहा है। मतलब ना ऐसा मेरे को मौसम बहुत प्यारा लगता है, ब्राइट ब्लू स्काई। और इसने मुझे यहाँ पे देखिए लॉक कर दिया है। भाई जल्दी खोल यार, मुझे घर जाना है। चल रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।